नगर पालिका चुनाव की शीघ्र घोषणा होने वाली है और थोड़े दिन बाद ही नगर पालिका चुनाव होने वाले हैं। सरदार शहर पंचायत चुनाव में कांग्रेस और भाजपा ने कांटे का चुनाव लड़ा और रस्साकसी का खेल चलता रहा, वैसा ही खेल नगर पालिका चुनाव में होने वाले हैं। दोनों ही पार्टियों की माने तो दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है और उम्मीदवारों को लेकर दोनों ही पार्टियों ने मंथन शुरू कर दिया है। हम बात करें एक नंबर वार्ड की, एक नंबर वार्ड से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में व्यापार मंडल के अध्यक्ष शिव भगवान सैनी का नाम चल रहा था, जबकि अभी यहाँ से शिव भगवान के सैनी के नाम पे चर्चाएं कम होने लगी है। कांग्रेस व्यापार मंडल अध्यक्ष शिव भगवान सैनी को वार्ड नंबर 13 से उतार सकती है और शिव भगवान सैनी अपना भाग्य 13 से अजमाते हुए नजर आ रहे हैं। वार्ड नंबर 1 से नारायण सैनी है जो भाजपा नगर मंडल के अध्यक्ष है। नारायण सैनी की टिकट भाजपा की ओर से लगभग फाइनल है। यहाँ कांग्रेस लंबे समय से अपने उम्मीदवार बदल रही है और यह वार्ड 10 सालों से भाजपा के कब्जे में है। अगर बात करें यहाँ पर तो नारायण सैनी पिछले 5 सालों में यहाँ भाजपा के से पार्षद रह चुके हैं और पिछले 5 सालों में रणवीर मेघवाल यहाँ भाजपा से जीत चुके हैं। तो इस प्रकार 10 सालों से भाजपा का यहाँ पर कब्जा है और जो कांग्रेस पार्टी है वो यहाँ पर अब विनोद सैनी को टिकट देख सकती है। विनोद सैनी के पिता त्रिलोकचंद सैनी यहाँ से पार्षद रह चुके हैं और युवा नारायण सैनी के सामने एक मजबूत चेहरे के रूप में विनोद सैनी के नाम पर भी विचार चल रहा है। बात करें वार्ड नंबर 2 की तो वार्ड नंबर 2 से दोनों ही पार्टियों के अभी तक उम्मीदवारों के चेहरे स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ रहे हैं। वार्ड नंबर 3 से भाजपा के स्थापित नेता बावरलाल गोरसिया यहाँ से उम्मीदवार फाइनल है, लगभग महज औपचारिक घोषणा शेष है। यहाँ से कांग्रेस जितेंद्र हाडा को उतार सकती है या जितेंद्र हाडा के पसंदीदा चेहरे को यहाँ पर मौका दिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर 1 नंबर और 3 नंबर की जो अभी तक की स्थितियां हैं वो भाजपा के दोनों ही उम्मीदवार फाइनल है और कांग्रेस को अपने उम्मीदवार लगभग यहाँ फाइनल करने हैं। और वार्ड नंबर 1 से शिव भगवान सैनी का चेहरा पहले यहाँ से स्पष्ट रूप से सामने था, लेकिन अब शिव भगवान सैनी को वार्ड नंबर 13 से उतारे जाने की चर्चाएं सामने आ रही है। अब बात करें यहाँ जो एक वार्ड है वार्ड नंबर 24, वार्ड नंबर 24 से भाजपा के नगर पालिका उपाध्यक्ष मुरलीधर सैनी को उतारा जा सकता है। वार्ड नंबर जो 24 है उसमें मोटर मार्केट और काका कॉलोनी का क्षेत्र आता है, यहाँ पर भाजपा उम्मीदवार लगभग मुरलीधर सैनी यहाँ पर होंगे। पिछले चुनाव में मुरलीधर सैनी के सामने चुनाव लड़ने की इच्छा हंसराज सिद्ध जता चुके हैं। शायद हंसराज सिद्ध की इच्छा अब की बात पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। हंसराज सिद्ध को मुरलीधर सैनी के सामने टिकट दिया जा सकता है। जो कांग्रेस की ओर से हंसराज सिद्ध है वो भी एक अनुभवी और दिग्गज नेता माने जाते हैं, तो दो दिग्गजों के बीच में वार्ड नंबर 24 से मुकाबला हो सकता है। यहाँ का मुकाबला हंसराज सिद्ध और मुरलीधर सैनी के बीच में होने हुए की संभावनाएं लगभग लग रही है। और वार्ड नंबर 25 से कांग्रेस की ओर से राजेश पार्षद उम्मीदवार है जो कांग्रेस में जीत की गारंटी माने जाते हैं। राजेश पारित के नेतृत्व में कांग्रेस लगातार 2 चुनाव बड़े अंतर से जीत चुकी है। भाजपा का यहां अभी कोई चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। हम बात करें वार्ड नंबर 21 की, वार्ड नंबर 21 में कांग्रेस की ओर से अंजू भाट को टिकट दिया जा सकता है और भाजपा की ओर से महाबीर भाट या विकास राकसिया को उतारा जा सकता है। जो ये मतलब ये भाजपा को तय करना है कि वो महाबीर भाट को देते हैं या विकास राकसिया को देते हैं, लेकिन कांग्रेस की ओर से जो एक ही नाम पे चर्चा चल रही है वो है अंजू भाट। और सबसे बड़ी बात यहाँ है कि वार्ड नंबर 18 में अशोक मेहरा को टिकट दिया जा सकता है। अशोक मेहरा पिछले चुनाव में निर्दलीय के रूप में एक मजबूत नेता के रूप में वो एक प्रदर्शन कर चुके हैं, उसके प्रदर्शन को देखते हुए कांग्रेस यहाँ से टिकट दे सकती है। भाजपा के यहाँ पर अभी कोई चेहरा उभर कर सामने नहीं आ रहा है, कई चेहरों पर चर्चाएं चल रही है। वार्ड नंबर 19 की बात करें तो यहाँ से राकेश टाक को टिकट दिया जा सकता है। राकेश टाक वो चेहरा है जो प्रभाकर जोशी को चुनाव हरा चुके हैं और यहाँ पर राकेश टाक को टिकट दिया जाएगा और राकेश टाक का मुकाबला अर्जुन बागड़ी
से हो सकता है, अर्जुन बागड़ी और राकेश टाक के बीच में वार्ड नंबर 19 से मुकाबला हो सकता है। वार्ड नंबर 22 की बात करें तो वार्ड नंबर 22 में कांग्रेस कमल पुजारी को टिकट दे सकती है, और यहां से चंपालाल राकसिया है वो भी कांग्रेस से अपनी दावेदारी कर रहे हैं। तो कांग्रेस की टिकट की जो दौड़ है वार्ड नंबर 22 की, वो कमल पुजारी और चंपालाल राकसिया के बीच के अंदर ये दौड़ चल रही है। भाजपा से यहाँ पर महावीर मीणा ने टिकट मांग रहे हैं, वो वहां यहाँ अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, और महावीर मीणा को यहाँ पर टिकट मिलता है या नहीं, लेकिन यहाँ भाजपा से राजकुमार टाक जो टिकट मांग रहे हैं, तो यहाँ राजकुमार टाक है वो दौड़ टिकट की दौड़ में आगे चल रहे हैं। महावीर मीणा का दावा है वो भी टिकट यहाँ पर मांग रहे हैं, लेकिन भाजपा के अनुभवी नेताओं की माने तो यहाँ पर राजकुमार टाक है उसका, उनका मुकाबला कमल पुजारी से हो सकता है। आप लगातार देखते रहिए, रोज हम नगर पालिका चुनाव को लेकर रोचक जानकारियां लेके आएंगे, प्रभावशाली उम्मीदवारों की बात आपको बताएंगे, और उम्मीदवारों की राय और पिछले चुनावों में किस प्रकार चेयरमैन बने, किस प्रकार दौड़ मिले, तो लगातार हम आपको नगर पालिका चुनाव को लेकर जानकारियां उपलब्ध करवाते रहेंगे।